बरसते बंद हुई संगड़ा हरिपुर धार चौपाल सड़क पर तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो सका यातायात। लोक निर्माण विभाग द्वारा हरिपुर धार नौरा धार व संगड़ा गत्ता धार शिलाई मार्ग पर हटाई जा चुकी है बर्फ। बर्फ से प्रभावित सड़कों पर विभाग द्वारा लगाई गई 9 जेसीबी मशीनें। स्नोफॉल के चलते बंद हुए संगड़ा हरिपुर धार चौपाल मार्ग पर मंगलवार को तीसरे दिन भी विभाग व प्रशासन यातायात व्यवस्था बहाल नहीं कर सके। उप सड़क पर उपमंडल मुख्यालय संगड़ा से करीब 12 किलोमीटर आगे तक ही गाड़ियां व बसें जा रही है और लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। इस बीच लोक निर्माण विभाग द्वारा मंगलवार को हरिपुर धार नौरा धार व संगड़ा गत्ता धार शिलाई रोड पर यातायात व्यवस्था बहाल की जा चुकी है, जबकि संगड़ा नौरा धार राजगढ़ मार्ग पर सोमवार को ही बर्फ हटाई जा चुकी है। मंगलवार को विभाग द्वारा जिन 2 सड़कों से बर्फ हटाई गई उन पर भी पाला जमने, पूरी तरह से बर्फ न हटने व देर साय एक बार फिर हल्की बर्फबारी होने के चलते वाहनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है। बर्फ से प्रभावित नागरिक उपमंडल संगड़ा की 1.5 दर्जन के करीब पंचायतों में विद्युत व पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह प्रभावित हुई है। हालांकि संबंधित विभाग व जिला प्रशासन के अनुसार अधिकतर गाँवों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग द्वारा हालांकि बर्फ हटाने के लिए सड़कों पर 9 जेसीबी मशीनें लगाई गई है, मगर विडंबना यह है कि पीडब्ल्यूडी डिवीजन संगड़ा एक भी स्नो कटर नहीं है, जिसके चलते बर्फ हटाने में सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है और कई बार जेसीबी से पक्की सड़क भी उखड़ने का अंदेशा रहता है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ा रतन शर्मा ने बताया कि आज नौराधार हरिपुर धार गत्ता धार मार्ग से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है, जबकि संगड़ा हरिपुर धार चौपाल मार्ग से बर्फ हटाए जाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।